गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। माय नेम इज कृपाली सिसंगिया एंड वेलकम टू इन सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। बच्चों, अगले वीडियो लेक्चर में हमने हमारा पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया था, राइट? तो अब हमारी एग्जाम आने वाली है, तो एग्जाम आने वाली है तो रिविजन तो करना पड़ेगा, राइट? तो रिविजन करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर आपको रिविजन करवाने ही आई हूँ, राइट? तो मैं आपको पूरा का पूरा रिविजन करवाऊंगी, राइट? तो आप इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि मैं आपको तरह तरह के क्वेश्चन आंसर दिखाऊंगी, राइट? वीडियो में आपको तरह तरह के क्वेश्चन आंसर वर्कशीट में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, राइट? तो आपको पहले कैसा होता था कि एक दिन में एक ही वीडियो आता था, पर एग्जाम आ रही है तो थोड़ा हमें एक्स्ट्रा हमारे एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, हमारे एक्स्ट्रा एफर्ट हम लगाएंगे तभी हम पूरी की पूरी पूरे के पूरे साल में हमने जितना किया है वो हम हमारे एग्जाम के टाइम पर उसको सही से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट? हम अच्छे से एग्जाम दे पाए इसलिए हमें पूरा का पूरा रिविजन अच्छे से देखना होगा, राइट? तो आपको एक दिन में दो वीडियो मिलेंगे, दो ऑब्जेक्टिव के, दो सब्जेक्टिव के, राइट? तो आज मैं यहाँ पर आपको इस वीडियो लेक्चर में वही क्वेश्चन आंसर सिखाऊंगी, राइट? एग्जाम में आप उसी क्वेश्चन आंसर को अच्छे से फॉलो करोगे तो आपकी ये जो एग्जाम होगी वो अच्छी जाएगी, राइट? तो आप वीडियो में जो क्वेश्चन आंसर दिखाई दे रहे हैं आपको वो सारे के सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे से रीड कर लेने हैं। फिर भी आपको उस क्वेश्चन आंसर में कोई ना समझ में आए, कोई ऐसी चीज हो कि आपको ना समझ में आई हो, तो आपको उसका वीडियो फिर से देखना होगा। फिर भी ना समझ में आए तो आपको दीदी से पूछ लेना है, राइट? स्कूल के नंबर पर फोन करके आप सारी की सारी क्वेरी सॉल्व कर सकते हो, राइट? तो आपको कुल 40+40 यानी कि टोटल 80 मार्क्स की एग्जाम होगी। 40 मार्क का ऑब्जेक्टिव का, 40 मार्क का सब्जेक्टिव का, राइट? तो हम टोटल 80 मार्क्स की ये जो हमारी एग्जाम है वो आते 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 पार्ट में सीखेंगे, राइट? तो अब हम वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव रिवीजन का पेपर दिया गया है, राइट? ये हमारे पेपर स्टाइल के अकॉर्डिंग ही है। पहला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कार्य को अपनी CW बुक में लिखिए। आपको क्या करना है, ये जो रिवीजन है वो अपनी CW बुक में लिखना है और इसका इसके मार्क्स हो गए 40, राइट? तो ये ऑब्जेक्टिव पेपर है, आपको इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव पेपर पूछा जाएगा, राइट? यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऐसा बिल्कुल तय नहीं है, राइट? आपको सिलेबस के आधार पर ही पूरा का पूरा पेपर आएगा। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1-10, उसमें 10 क्वेश्चन हो गए और उसके मार्क्स हो गए 10। यहाँ पर सूचना दी गई है कि MCQ में से सही उत्तर चुनकर आपको लिखना है, राइट? तो पहला क्वेश्चन है कि बिजली से चलने वाले साधन कौन से हैं। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको सोचना है कि बिजली से चलने वाले साधन पहले कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर नीचे ऑप्शन में दिए गए हैं कि साइकिल और बैलगाड़ी। तो साइकिल और बैलगाड़ी में कोई बिजली की ज़रूरत नहीं होती है, राइट? तो पंखा, तो पंखा सही ऑप्शन है, राइट? तो हमें ख में टिक कर देना है और घ में लिखा है कि तीनों में से कोई नहीं, तो घ नहीं आएगा। फिर दूसरा पूछा गया है कि कंप्यूटर में गतिविधियाँ कौन दिखलाता है। तो कंप्यूटर में जो गतिविधियाँ होती है वो किस में हमें दिखाई देती है? CPU में दिखाई देती है? नहीं। फिर प्रिंटर में दिखाई देती है, तो प्रिंटर में तो जेरोक्स जो हम डालते हैं वो निकलती है, राइट? प्रिंट निकलती है, तो उसमें भी हमें कोई गतिविधियाँ नहीं दिखाई देती है। फिर माउस में भी कोई नहीं दिखाई देता। अब आता है मॉनिटर, राइट? तो मॉनिटर में हमें सारी की सारी गतिविधियाँ दिखाई देती है, राइट? उसके बाद दिया गया है तीसरा क्वेश्चन, शीतल हवा किसे मिलती है? शीतल हवा किसे मिलती है हमें? वनस्पति से मिलती है, दुब से मिलती है। दुब का मतलब होता है हरी हरी नर्म घास, उसको कहते हैं दुब, राइट? फिर पौधा, तो पौधे से भी हमें शीतल हवा नहीं मिलती, क्योंकि पौधा होता है ना वो छोटा होता है और वनस्पति होते हैं वो तो जमीन पर लगी हुई होती है, राइट? तो उससे हमें शीतल हवा नहीं मिलती है। पेड़ से हमें शीतल हवा मिलती है, क्योंकि जब पेड़ ऐसे हिलते हैं तो उसमें से हमें ठंडी ठंडी हवा मिलती है, राइट? पेड़ के कारण पूरा का पूरा जो वातावरण होता है वो शुद्ध हो जाता है और हमें ऑक्सीजन बहुत सारी मात्रा में मिल जाता है।
उसके बाद दिया गया है चौथा क्वेश्चन, प्रखर के ऊपर किसने पानी की बोतल डाल दी थी। वो प्रखर वाला चैप्टर आता था, उसमें प्रखर जो था वो नया नया था, तो प्रखर पहले ही दिन क्लास के बाहर बैठा था, तो उसके ऊपर पानी की बोतल किसने डाल दी थी। मोहन ने डाली थी, मंजुल ने डाली थी, अनिकेत ने डाली थी कि प्रकाश ने। यस, ये जो क ख और घ में दिए गए हैं ना नाम, वो तो हमारे चैप्टर में आते ही नहीं है, तो ये ग वाला जो ऑप्शन है अनिकेत, वो ही सही ऑप्शन है। अनिकेत ने ही प्रखर के ऊपर पानी की बोतल डाल दी थी। उसके बाद दिया गया है पांचवा, कवि क्या चारों कवि क्या चारों ओर होने की बात कहते हैं। कवि क्या कहते कि चारों ओर क्या होगा, अविश्वास होगा, उजाला होगा, अशांति होगी कि शांति होगी। कवि ऐसा कहते हैं कि हम होंगे कामयाब, होगी शांति चारों ओर, तो उसमें आता है ना कि होगी शांति चारों ओर, राइट। तो यही क्वेश्चन का आंसर यहाँ पूछा गया है। आपको लिखना है पांचवे ऑप्शन में, पांचवे क्वेश्चन में शांति। फिर उसके बाद दिया गया है छठा, हिंसक जानवर कौन नहीं है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं कि हिंसक जानवर कौन नहीं है। हिंसक का मतलब होता है कि जो हिंसा फैलाते हैं, राइट। तो ऐसे जानवर यहाँ पर कौन कौन से, कौन जानवर ऐसा है कि जो हिंसक नहीं है। तो लोमड़ी है, तो वो तो लोमड़ी तो हिंसक ही होती है। बाघ, बाघ भी हिंसक होता है। शेर भी हिंसक होता है। गाय, यस गाय जो है वो हिंसक जानवर नहीं है, राइट, हवा में चोट नहीं पहुंचाती, तो सही ऑप्शन आएगा गाय। फिर यहाँ पर सातवां एमसीक्यू दिया गया है कि दिव्या के पति कौन सा व्यवसाय करते थे। दिव्या के पति के बारे में पूछा गया है, तो दिव्या के पति किसान थे, राइट। तो यहाँ पर तीन ऑप्शन ऐसे है कि वो तो इस चैप्टर में आते ही नहीं थे, राइट। दिव्या के पति किसान थे। उसके बाद दिए गए आठवां क्वेश्चन, दिए गए शब्दों में से अनुनासिक वाले शब्द को पहचानो। अनुनासिक के साइन तो आपको पता ही है, आधा चांद और उसमें बिंदी, उसको कहते हैं अनुनासिक, राइट। तो यहाँ पर आधा चांद और उसमें डॉट, ऐसा कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है। क, माँ, राइट। तो माँ जो शब्द है वो अनुनासिक वाला है, राइट। तो ये प्रिंटर है वो अनुस्वार वाला शब्द है, और कर्ता और छपना तो आता ही नहीं है, राइट। तो ये सही ऑप्शन है माँ। उसके बाद दिया गया है कंप्यूटर का दिमाग कौन सा है। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं, रेफ्रिजरेटर को कहते हैं, मॉनिटर को कहते हैं, कि माउस को कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं सीपीयू, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, ओवन। तो आपको ऑप्शन में सही उत्तर दिखाई दे रहा है कि सीपीयू आएगा। उसके बाद दिया गया है दसवां, हाथियों के राजा का नाम क्या था। हाथियों के राजा का नाम क्या था, सूर्यदत्त था, लंकर्ण था, मृगदत्त था कि चतुर्दत्त था। तो यहाँ पर चतुर्दत्त सही ऑप्शन है, राइट। तो हमने एक से दस तक के सारे एमसीक्यू समझ लिए। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 to 18, 8 क्वेश्चन हो गए और उसके 8 मार्क्स होंगे। यहाँ पर दिया गया है सूचना में कि निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर सही या गलत की पहचान कीजिए। आपको क्या करना है, यहाँ पर सही और गलत की पहचान करनी है, कौन सा वाक्य सही है और कौन सा गलत है, वो पूरा का पूरा पढ़ेंगे तभी आपको मालूम होगा। पहला यहाँ पर 11 में दिया गया है कि खरगोश जख्मी हो गए थे। खरगोश जख्मी हो गए थे, हाँ खरगोश जख्मी हो गए थे, हाथियों के पाँव के तले वो कुचला गए थे, इसलिए वो जख्मी हो गए थे। तो ये वाक्य सही है, तो हमें सही में टिक करना है। फिर दूसरा दिया 12वां क्वेश्चन है, राधा का पति किसान था। राधा का पति किसान था, नहीं किसान नहीं था उसका पति, उसका पति तो कुम्हार था, तो ये वाक्य गलत है। फिर 13वें क्वेश्चन में दिया गया है कि पालतू जानवर हम मनुष्य की सहायता करते हैं। पालतू जानवर हम मनुष्य की सहायता कैसे करते हैं, तो पालतू जानवर में पहले हम गाय देखे, तो गाय हमें दूध देती है, तो दूध से हमें सहायता ही होती है ना। तो उसी प्रकार कई सारे पालतू जानवर होते हैं, वो हमें कोई ना कोई प्रकार से सहायता करते ही है, तो यहाँ पर ये वाक्य सही है, तो हमें सही में टिक करना है। फिर दिया गया है 14वां क्वेश्चन, उसमें दिया गया है कि हमें सबसे डरना चाहिए। ये वाक्य तो बिल्कुल गलत है, हमें सबसे नहीं डरना चाहिए, हम किसी से नहीं डरेंगे, राइट, हमारी पोयम में आता था, तो ये वाक्य गलत है। उसके बाद दिया गया है प्रखर का स्कूल में पहला दिन था। प्रखर का स्कूल में
कितने दिन बीत गए थे? पहला ही दिन था वो, पहले दिन पे स्कूल पे गया था। तो प्रखर का स्कूल में पहला दिन था, ये वाक्य बिल्कुल सही है, तो हमें सही में टिक करना है। फिर 16 में तुरंत बम को निष्क्रिय किया गया। यही प्रखर वाले चैप्टर में ही आता था कि बम को तुरंत ही निष्क्रिय किया गया, राइट? तो ये वाक्य बिल्कुल सही है। उसके बाद दिया गया है 17, हरी भरी घास को जल कहते हैं। हरी भरी घास को क्या कहते हैं, पहले ये हमें पता होना चाहिए। तो हरी भरी घास को दुब कहते हैं, तो जल नहीं कहते हैं, तो ये वाक्य गलत हुआ। कंप्यूटर बहुत निराला होता है, उसके बाद के क्वेश्चन में पूछा गया है कि कंप्यूटर बहुत निराला होता है, ये वाक्य सही है कि गलत है? ये वाक्य बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19-22, उसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 19-22 में 4 क्वेश्चन, और उसमें पूछी गई है आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपको 4 ब्लैंक दी गई है और उसके 4 ब्रैकेट्स भी दिए गए हैं। उसमें 19 में पहला दिया गया है कि लंकर्ण फिर ब्लैंक को झील के किनारे ले गया। लंकर्ण झील के किनारे किसको ले गया था? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं शांति को, मालिक को, खेत को कि गजराज को। तो यहाँ पर ऑप्शन में आएगा गजराज, राइट? उसके बाद है 20, ब्लैंक नंबर 20 होगी, फिर ब्लैंक, चारों ओर एक दिन। एक दिन क्या होगा चारों ओर? तो एक दिन यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है शांति, मालिक, खेत के गजराज। तो गजराज तो आ गया, बाकी के तीन ऑप्शन देखते हैं, शांति आएगा कि होगी शांति चारों ओर एक दिन। कुत्ते घर की रखवाली करते हैं तथा अपने फिर खाली जगह दी गई है से बहुत प्यार करते हैं। तो कुत्ते किसे बहुत प्यार करते हैं? अपने मालिक से, राइट? ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, तो खाली जगह में आएगा मालिक। उसके बाद दिया गया है 22, किसान फिर ब्लैंक में अन्न उगाता है। किसान कहाँ पे अन्न उगाता है? तो किसान खेतों में अन्न उगाता है, राइट? तो यहाँ पर खाली जगह पूरी हो गई। उसके बाद हमें फिर से खाली जगह दी गई है, राइट? उसमें भी आपको बिल्कुल सेम टू सेम ही करना है। क्वेश्चन नंबर 22-26 में आपको फिर से खाली जगह दी गई होगी। पहली खाली जगह दी गई है, खाली जगह भगवान से प्रार्थना करूँगा कि तुम सब सुखी रहो। तो यहाँ पर कौन प्रार्थना करेगा? कुंजी, प्राणवायु, असावधानी के मैं? तो यहाँ पर पहली खाली जगह में आएगा मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि तुम सब सुखी रहो। उसके बाद दिया गया है पेड़ से खाली जगह मिलता है। पेड़ से हमें क्या मिलता है बच्चों? कुंजी मिलती है, प्राणवायु मिलता है, असावधानी मिलती है, क्या मिलता है हमें? तो पेड़ से हमें प्राणवायु मिलता है। उसके बाद दिया गया है 25 में जरा सी खाली जगह से बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। तो जरा सी हम असावधानी मतलब कि लापरवाही रखते हैं तो हमें बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ता है। उसके बाद हमें लास्ट ब्लैंक में पूछा गया है, उसमें खाली जगह बहुत समय, टाइप इनसे करना भाई। इसमें बहुत सारी क्या समय है? कुंजिया, कुंजी मतलब के बटन, राइट? कीबोर्ड में बहुत सारे बटन होते हैं तो बटन को कहते हैं हिंदी में कुंजी, राइट? तो इसमें कुंजी बहुत समय, टाइप इनसे करना भाई, राइट? तो यहाँ पर हमने सारे की सारी रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वो देख ली है। उसके बाद क्वेश्चन में दिया गया है 27-29 में क्वेश्चन नंबर 27-29 उसमें पूछा गया है मेथ द फॉलोइंग। उसमें आपको क्या करना है? ए और बी ऑप्शन दिए गए हैं। ए में क्वेश्चन होगा, बी में उसके आंसर होंगे। पर कैसे आंसर है ये? उल्टे सीधे दिए गए हैं। आपको सही आंसर पहले यहाँ पर 27 के जो बाजू में जो खाली जगह दी गई है वहाँ पर क ख ग जो सही आंसर हो वो पहले लिख लेना है, फिर उसके बाद वो जो सीरीज बनती है जैसे कि क ख ग ऐसी सीरीज बनती है तो वो आपको यहाँ पर आंसर में से ढूंढ लेनी होंगी,
राइट। तो पहला यहाँ पर दिया गया है निराला, तो उसके बाद में आपको जो एक ब्रैकेट दिया गया है ना, वो आपको पढ़ना कंपलसरी है, क्योंकि उस ब्रैकेट से ही आपको पता चलता है कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर कौन से प्रकार का ढूंढना है, राइट। तो पहला यहाँ पर दिया गया है निराला, तो निराला का आपको समानार्थी शब्द ढूंढना है। निराला का समानार्थी शब्द क्या होता है? बेजोड़। निराला मतलब के बेजोड़ हो, जिसकी हमें कोई तुलना यहाँ पर मिल ना रही हो, ऐसे ऐसे व्यक्तियों को कहते हैं निराले व्यक्ति। उसके बाद दिया गया है ठंडा, तो ठंडा का हमें विपरीत अर्थ मतलब कि विलोम शब्द ढूंढना है। ठंडा तो गर्म। उसके बाद दिया गया है शेर भालू चीता, तो शेर भालू और चीता ये कैसे प्राणी है? तो ये सारे प्राणी मांसाहारी प्राणी है। तो यहाँ पर सीरीज बनती है ग क और ख, तो आपको ये सीरीज ब ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं, तो आप ब ऑप्शन टिक करोगे तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे, राइट। उसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन में भी सेम टू सेम आपको मैच द फॉलोइंग पूछे जाएंगे, उसमें भी आपको वैसे ही करना है। पहले एक सीरीज जो बनती है वो लिख लेनी है, उसके बाद ही आपको ऑप्शन में टिक करना है। तो यहाँ पर ए में क्वेश्चन दिया गया है वृष्टि, तो वृष्टि का समानार्थी शब्द क्या होता है? वृष्टि का समानार्थी शब्द होता है वर्षा, राइट। बारिश, वो भी उसका सिमिलर वर्ड ही हुआ। उसके बाद आता है वृष्टि का आंसर आता है वर्षा, राइट। उसके बाद दिए गए हैं भाषा, तो भाषा का बहुवचन करना है, तो भाषा का बहुवचन क्या होता है? भाषा तो भाषा है। उसके बाद दिया गया है अंग्रेजी शब्द, तो यहाँ पर आपको क ख ग दिखाई दे रहा है, उसमें आपको इंग्लिश शब्द कौन सा दिखाई दे रहा है? टेलीविजन, राइट। तो ये तो इंग्लिश शब्द ही है, तो आपको टेलीविजन लिखना है। तो यहाँ पर सीरीज बनती है ख ग क, तो आपको ये सीरीज दी गई है सी में, तो आपको सी टिक करना है। यहाँ पर हमने मैथ तो फॉलोइंग दोनों के दोनों देख लिए हैं। उसके बाद दिया गया है क्वेश्चन नंबर 33 to 36, उसमें आपको क्या दिया गया है? 4 क्वेश्चन दिए गए, उसके 4 मार्क्स है। यहाँ पर पहला आपको पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। आपको यहाँ पर क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं और उसके एक एक शब्द में जवाब भी दिए गए हैं, उत्तर भी दिए गए हैं। तो 33 में क्वेश्चन में पूछा गया है कि बिजली के बटन को बार बार दबाने से क्या होगा? तो बिजली के बटन को आप बार बार दबाओगे तो क्या होता है? आपको क्या लगेगा? आपको करंट लगेगा, वो बिगड़ जाएगी कि बंद हो जाएगी, कि तीनों में से कोई नहीं। बार बार आप उसको प्रेस करोगे तो आपको शॉक भी लग सकता है, राइट। तो आपको आंसर टिक करना है करंट लगेगा। उसके बाद दिया गया है मुझे घर जाना है, दिए गए वाक्यों में सर्वनाम पहचान कर लिखे। तो मैंने आपको सर्वनाम की डेफिनेशन बताई थी। सर्वनाम की डेफिनेशन क्या थी? कि जो शब्द नाम के बजाय संज्ञा के बदले उसका उपयोग होता है उसको कहते हैं सर्वनाम, राइट। तो सर्वनाम में कौन कौन से शब्द आ सकते हैं? मैं, यह, वह, तुम, हम, राइट। तो ये सभी शब्द है, वो सर्वनाम के शब्द है। तो यहाँ पर मुझे दिया गया है, राइट, किसी का नाम नहीं दिया गया है, तो ये मुझे है, वो सर्वनाम है, तो यहाँ पर हमें लिखना है मुझे। उसके बाद दिया गया है 35 के क्वेश्चन में पशु हमारे क्या है? पशु हमारे क्या है? दुश्मन है, उनसे हमें खतरा है, मित्र है, कि तीनों में से कोई नहीं? तो पशु हमारे मित्र है, राइट। तो ख ऑप्शन है वो सही है। उसके बाद दिया गया है कि मोर की कलगी किसके समान लगती है? मोर की कलगी किसके समान लगती है? हमारे चैप्टर नंबर 7, हमारा राष्ट्रीय पक्षी, उसमें आता था कि मोर की कलगी मुकुट के समान होती है, राइट। तो आंसर आएगा मुकुट के समान। उसके बाद दिया गया है क्वेश्चन नंबर 37 to 40, यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है। उसमें दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। आपको यहाँ पर आंसर एक वाक्य में लिखने नहीं है, आपको लिखे हुए दिए ही गए हैं, आपको सिर्फ टिक ही करना है। मोर के पंख पर क्या होता है? तो मोर के पंख पर होती है अनगिनत चांद जैसी रंग बिरंगी आकृतियां बनी हुई होती है, राइट। तो मोर के पंख पर कैसी आकृतियां होती है?
रंग बिरंगी चांद जैसी आकृतियाँ होती है। उसके बाद 39 के क्वेश्चन में दिया गया है कि कंप्यूटर के दो भाग के नाम लिखिए। कंप्यूटर के दो भाग के नाम यहाँ पर कौन कौन से दिए गए हैं आपको? मॉनिटर और माउस, ये कंप्यूटर के दो भाग दिए गए हैं, राइट। फिर उसके बाद दिया गया है क्वेश्चन नंबर 40, खतरनाक सा दिखने वाला आदमी क्या कर रहा था? ये प्रखर वाले चैप्टर में आता था कि खतरनाक सा दिखने वाला आदमी जीप के नीचे बम लगा रहा था, राइट। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 40 पूरे के पूरे देख लिए हैं। मैं आपको यह नहीं कह रही हूँ कि यह क्वेश्चन आपको अपनी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, पर इस प्रकार के क्वेश्चन आंसर आपको दिए गए होंगे और आपको उसी प्रकार से लिखना होगा, राइट। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर कंप्लीट होता है। तो देख लिया बच्चों आपने वीडियो, आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए? यस। तो यही क्वेश्चन आंसर हमारे एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, पर बच्चों यही आएंगे ऐसा बिल्कुल तय नहीं है। आपको इसके अलावा भी जो मैंने सिलेबस आपको बताया, राइट, उसी सिलेबस में से ये आधे आधे क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं, राइट। तो और मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।